चिड़िया एक चिड़े ने ब्याहली वो आगी बन के घर वाली। चिड़िया एक चिड़े ने ब्याहली वो आगी बन के घर वाली। चिड़ारे मुड़े रे पे हो रे हो चिड़िया एक चिड़े ने ब्याहली वो आगी बड़े के घर वाली। ऐसे हवाला बताया क्या हुआ सुनिएगा। चुग्गा लेके चारों तरफ लखाते होंगे भूख के सताए मुन्ने मैया ने बुलाते होंगे। भूख के सताए मुन्ने मैया ने बुलाते होंगे। आते होंगे पितारे घूम के लाड़ करें मुख चूम चूम के। आते होंगे पितारे घूम के लाड़ करेंगे मुख चूम चूम के। ओ हो रे मन तरसा रही जाग भूप के खुस की चेहरे पे बन के घर वाली। बिल में बड़े गई आप बैठ जा चिड़ारे मुंडे रे पे मोरे। शादी कर लेता है तो ये सच्चाई है श्रोताओं कि जो पहली माँ के जो बच्चे होते हैं उन्हें कोई भी अच्छे से रख नहीं पाता। एक आध होगा इंसान जो अच्छे से बच्चों को रखता होगा लेकिन ये सच्चाई है। किस प्रकार से उस चिड़िया के साथ में कैसा हुआ कि जब वो चिड़िया मर गई तो दूसरी चिड़िया उस घोंसले में आ जाती है, कैसा हाल करती है उन बच्चों का, जरा सुनिएगा दूसरी कली। हो
झूठी राड करके दोनों के विलाप पहुंच के माँ के डेरे पे चिड़ारे मुंडे रे पे आरे क्या बात है के दोनों बच्चों को ऊपर से नीचे घेर देती है। रानी के मन में भी ख्याल आया कि तू भी बहुत ज्यादा बीमार रहती है, पता नहीं कल को तू मर जाए तेरे बाद में तेरे बच्चों का क्या होगा। किस प्रकार से तीसरी कली में क्या लिख दिया जरा सुनिएगा। करतूत देखे मौसी बेटे खानी जीते जागते सबूत देखे आँख्या में पानी भर के फिर दोनों अपने पूत देखे आँख्या में पानी भर के फिर दोनों अपने पूत देखे देखे जीव सभी सुख पाते देखे जीव सभी दुख पाते औरत के जो फंदे फंस जाते औरत के जीव फंदे फंस जाते ओहो रे जैसे नाचे सांप तरज की मार सपेरे पे क्या कुछ देखा क्या कहने लगी और अंत में क्या होता है सुनेगा अंतिम क्या होता है। रानी देखी 200 ते भी बढ़ गया नाव वैद्य को बुलाया देखा जीवन की थी डगमग नाव वैद्य को बुला...
जीवन की थी डगमग नाव। भाव भरम मिटी जीव आस की, तुक बंदी गुरु शरण दास की। जीव आस की तुक बंदी गुरु शरण दास की। ओ हो रे गलती करियो माफ धरा के, गुरु बिन मेरे पे। Yeah.